जय श्री श्याम, सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए जो भक्त चरित्र लेकर आई हूँ वो है श्री देवाजी पंडा जी का। बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी चित्रण है, जब आप सुनेंगे तो आंखों से अश्रु धारा बहने लगेगी। तो शुरू करती हूँ। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुजी स्वामी जी का मंदिर था। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक किया करते थे। बहुत प्रेम से भाव से भगवान की पूजा करते थे। कौन थे? देवाजी। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक बार रात बीतने के बाद जब मंदिर बंद हो रहा था उस समय मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के जो गले का पुष्प की माला थी ना, हार, भगवान जी को शयन कराने के लिए वो उतार दी और अपने गले में पहन ली। अपने पहले सिर पर मस्तक से लगाई और उसके बाद अपने गले में धारण कर ली और अंतर ग्रह के जो गर्भ ग्रह होता है भगवान का, उसके पट बंद करते हुए बाहर आ रहे थे। देखा उसी समय के महाराणा आ रहे हैं, उदयपुर के महाराणा आ रहे हैं। अब तो दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबरा गए, मंदिर में घुस गए, क्योंकि जब राणा जी आए हैं तो उनको पहनाने के लिए भगवान के चरणों से पुष्पहार तो उनको देना ही था प्रसाद में। अब मंदिर में देखा तो पुष्पहार तो था ही नहीं, क्योंकि जो था वो देवाजी ने अपने गले में धारण कर लिया था। उन्होंने जल्दी से अपने गले से वो ही माला उतार ली है जिससे कि महाराणा नाराज ना हो जाए, इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ वो पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने का तो समय ही नहीं मिला। एक पल में बाहर निकलते निकलते महाराणा आते हुए दिखाई दिए, एक पल में अंदर आ गए और उसी पल उन्होंने विचार किया देवाजी ने कि उनको क्या पहनाऊंगा। जल्दी से अपने गले की जो माला थी वो उतार कर उनको पहना दिया जिससे कि महाराणा समझ ना पाए कि मैंने अपने गले की उतारी। अब क्या हुआ, माला पहनाते समय देवाजी के जो सिर के बाल थे वो सफ़ेद हो गए थे और कमज़ोर भी हो गए थे, वो उस माला से थोड़े से चिपक गए टूट कर। सोचने विचारने में कुछ समय तो मिला ही नहीं था, तो देवाजी के जो बाल चिपक गए वो लंबे लंबे थे ना, तो वो दिख रहे थे। अब राणा ने जब माला में लगे सफ़ेद बालों को देखा तो राणा ने व्यंग करा, ओहो चतुर्भुज भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं, सारे केश सफ़ेद हो गए हैं, ऐसा मालूम होता है क्योंकि माला में पुष्पाहार में तो सफ़ेद बाल लगे हुए हैं। देवाजी को तो इसका उत्तर देने का समझ ही नहीं आया, एक पल भी ना कुछ सूझा, उन्होंने जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार ठाकुर जी के बाल सफ़ेद ही हो गए हैं। राणा जी को पुजारी की इस बात पर बड़ी हंसी आई। इस समय मंदिर तो बंद हो चुका था, तो राणा जी बोले, अब थोड़ा उनको गुस्सा भी आ रहा था कि पुजारी जी ने झूठ बुलाए, देवाजी ने झूठ बुलाए। तो राणा जी बोलते हैं देवा से कि कल मैं आकर देखता हूँ कि भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम कह रहे हो ठीक है मैं कल आता हूँ देखता हूँ, अभी तो भगवान शयन कर रहे हैं। अब तो राणा जी ये कहकर चले गए और पुजारी जी के मन में उन्होंने जो गुस्सा था वो भी भरा हुआ था, गुस्सा लेकर चले गए। देवाजी ने उतावली में कह तो दिया राणा से कि बाल सफ़ेद हो गए, अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, उनको रात को नींद भी ना आ रही। प्रातःकाल राणा आएंगे और देखेंगे कि सफ़ेद बाल नहीं है तो पता नहीं क्या करेंगे। देवाजी की आंखों की नींद उड़ गई, खाया तो कुछ भी नहीं, आंखों से अश्रु धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, हे प्रभु मेरे मुंह से सहसा ही ये बात निकल गई, तुम तो नित्य नव किशोर हो, भगवान कहाँ वृद्ध होते हैं, वो तो नित्य किशोर हैं, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। पर सवेरे महाराणा जब आकर तुम्हारे काले बालों को देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। जब सुबह देखेंगे तो क्या स्थिति होगी तुम्हारे सेवक की, प्रभु अश्रुधारा बहती जा रही है, यही सोच सोच कर डर की वजह से भगवान को पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, कल्पत करते हुए पूरी रात बीत गई। ऐसे ही प्रातः देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते गर्भगृह का दरवाजा खोला है, उनका हृदय
धक रह गया भगवान की तरफ जब निगाह गई, भगवान के दर्शन किए हैं तो हृदय एकदम धक हो के रह गया, चौंक गए वो। क्यों चौंक गए? क्योंकि उनके जो भगवान थे बा, उनके वास्तव में स्वर्ण बा जैसे सफेद बाल चांदी की तरह हो गए थे। अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने अपने केश सफेद कर लिए। वो सोच रहे हैं, देवा जी ये स्वप्न है क्या, ये साक्षात प्रभु हैं, कैसी लीला है ये? उनको लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। करुणा वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विफल हो उठे और आनंद मत होकर देवा की बाह्य चेतना जाती रही, विशुद्ध हो गए और जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद जब समाधि टूटी है तो उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की धारा बह निकली। उसी समय महाराणा दर्शन के लिए पधारे हैं परीक्षा लेने के लिए। कल कह के गए थे ना कि कल आके देखता हूँ, गुस्से में थे कि झूठ कैसे बोला, कल आके देखता हूँ। तो देखते हैं, उनको देखकर देवाजी को विकल देखकर उन्होंने समझा कि मेरे गुस्से की वजह से ये रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने झूठ बोल दिया है और इनको भय हो रहा है कि मैं सजा दूंगा, दंड दूंगा। इतने में ही उनकी दृष्टि जब गर्भगृह में गए हैं तो भगवान के केस पर गई और देखते ही आश्चर्य के सागर में डूब गए कि श्याम सुंदर के समस्त केस चांदी की तरह चमक रहे हैं। महाराणा को तो विश्वास ही नहीं हुआ, उन्होंने समझा पुजारी जी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद बाल चिपका दिए हैं। और राणा के मन में परीक्षा लेने की आई, उन्होंने कहीं से सफ़ेद बाल चिपका दिए होंगे, यह सोचकर अपने हाथ से भगवान का सिर का बाल पकड़ा और झट से खींच लिया, बलपूर्वक खींच लिया है मेरे प्रभु का बाल। राणा ने देखा बाल जो उखड़ा है वो भी सफ़ेद ही है और भगवान को बाल उखाड़ने से जो पीड़ा हुई, भगवान की नाक सिकुड़ गई है वो दर्द का एहसास, और बाल के साथ में खून की वो बूंद रक्त बिंदु राणा के ऊपर गिरा है। अंगरखे पर राणा के जब वो रक्त बिंदु देख गिरा तो उसको देखकर राणा के तो होश ही उड़ गए, वो मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर वो अचेत पड़े रहे। उन्होंने जब होश आया तो देवाजी के चरण पकड़ लिए। प्रभु मैं अत्यंत मूढ़ अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ, मैंने बड़ा अपराध किया जो आप पर अविश्वास किया, आप पर व्यंग कसा, भक्त क्षमाशील होते हैं ऐसा मैंने सुना है, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद बाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की ही माया है, मैं अशिक्षित गवार केवल पेट की गुलामी में लगा था, भगवान की पूजा का तो नाम था पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं जो मेरी मिथ्या पूजा पर भी इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए अपने नित्य निशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केसों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा मांगू, मैं तो स्वयं अपराधी हूँ राजन, मैंने तो झूठ बोला था आपसे, आप क्योंकि मैं डर गया था कि आप मुझे दंड दोगे, इसलिए मैं तो आपका भी और भगवान का भी अपराधी हूँ, पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान ना देकर उनकी दीनता पर ध्यान देते हैं। राणा और देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रोते जा रहे हैं। उसी समय चतुर्भुज भगवान ने बाड़ी में बोला है कि जो व्यक्ति उदयपुर की गद्दी पर बैठेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, वो मेरे दर्शन को नहीं आएगा, आज यही इसका दंड है। तुमने राणा होकर अविश्वास किया, व्यंग किया और एक दीन के ऊपर परिहास करके उसे दंड देने की सोची, तो आज के बाद तुम में से कोई भी जो गद्दी पर बैठेगा वो मेरे दर्शन नहीं पा सकेगा। तो आज भी चतुर्भुज देव जी के दर्शन के लिए जो राज गद्दी पर बैठते हैं वो दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं। ऐसे हैं भगवत वत्सल भगवान, जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और उसके जीवन में बस सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ अपनी कृपा से जो वो चाहता है उसको मिल जाता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरो कोई न सहारा बिन तेरे,
घनश्याम सांवरिया मेरे। आप बहुत चित लगाकर इस कथा को सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा और भक्त चरित्र सुन के हमारे हृदय के सारे विकार दूर होते हैं, मन पवित्र होता है। आशा करती हूँ ये कथा कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। भक्तमाल कथा भक्त चरित्र आपको अच्छे लग रहे होंगे सुनने में। अगर मेरा प्रयास ये सफल होता है तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यवती मानूंगी कि मेरा सौभाग्य मैंने आपके हृदय में अपनी जगह बनाने का जो प्रयास किया है वो कर सकी। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव कथा कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।